नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पवन किशोर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी होगी। और हम आज बात करेंगे कि वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के बारे में क्या जानकारी आज मिली सूत्रों के मुताबिक, और आज बच्चों का अधीनस्थ जा कर के मिलना था तो क्या बच्चे वहाँ पहुँच पाए कि बच्चे नहीं पहुँच पाए, और तमाम जानकारी को इकट्ठा करने के बाद हम आपके साथ एक बार वार्तालाप के लिए जरूर आए हैं। तो अधीनस्थ गए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इकट्ठा नहीं हो पाए। आज 18 तारीख को बात हुई थी, लेकिन कुछ बच्चे जरूर इकट्ठा हुए और अधीनस्थ भी गए, लेकिन अधीनस्थ पे किसी अधिकारी से या किसी भी ऑफिस के सदस्य से उनकी मीटिंग नहीं हो पाई, उनसे बात नहीं हो पाई। बच्चे वहाँ बैठे रहे 2 से 3 घंटे और उसके बाद वो वापस चले आए। लेकिन रीट्यूटर और रीट्वीट का थोड़ा सा प्रभाव जरूर पड़ा है आयोग के ऊपर, और वह आयोग उस पर विलम्ब ना करते हुए एक्शन लेगी और 2 से 3 दिन में कहीं ना कहीं वह बात उस पर छेड़ेगी। चलिए बात करते हैं, क्या भर्ती को रद्द करेगी सरकार। कहीं ना कहीं कई यूट्यूब से पता चला या कई यूट्यूबर्स की जानकारियों से पता चला कि क्या भर्ती रद्द होगी सरकार। भर्ती को रद्द ऐसा तो नहीं कि कहीं वो रद्द कर दे भर्ती को, नई भर्ती निकाले और 2142 पदों को और 1953 पदों को दोनों को आपस में जोड़कर एक नया पेपर कराए, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, लेकिन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा ही बता रहे हैं। हम लोग को तो बस बिल्कुल छोटे से स्टार्टअप है, तो यहाँ ज़्यादा कुछ जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है। पेट के थ्रू होगी भर्ती, क्या जो 2142 पदों पर भर्ती होने वाली है वो जुलाई में विज्ञापन जारी होगा तो क्या वो पेट के थ्रू होगा। जी बिल्कुल, पेट के थ्रू होगा, लेकिन जो पेट हुआ है, ये पेट में बात हुई थी कि 40,000 वैकेंसियों के थ्रू हम आपका पेपर लेंगे, पेट के थ्रू रखेंगे, उसके बाद दूसरे साल का पेट आएगा। तो जो पेट नया आएगा वो पेट कब आएगा, तो वो पेट आएगा आपका जुलाई में और पेपर होंगे उसके अगस्त में। लेकिन 40,000 भर्तियों की जुमलेबाजी सरकार कहाँ लेकर जाएगी। आई होप आप लोग को पता होगा कि अगस्त में पेपर हुआ था पेट का और उसके अकॉर्डिंग एक भी वैकेंसी नहीं आई है सिवाय लेखपाल के। लेखपाल की डेट कब रखी जा रही है, तो लेखपाल की अभी कोई सरकार की तरफ से कोई डेट नहीं रखी जा रही है, कोई कैलेंडर जारी होने की कोई सरकार बात नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, आप लोग अपनी तैयारी को बनाए रखिए, तैयारी को करते रखिए, तैयार रहिए एकदम से। कभी भी सरकार इस पर डेट भी दे सकती है, कभी लेखपाल की डेट से दे सकती है, कभी भी लेखपाल के परसेंटाइल को शॉर्ट लिस्टिंग कर सकती है। इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और एकदम तैयारी को अपने तैयार रखो। पेट के थ्रू होगी भर्ती, न्यू पेट अगस्त में होगा। जी बिल्कुल, न्यू पेट अगस्त में होगा। बात करें अगर न्यू पेट कैसे होगा, तो जो पुराना पैटर्न था उसी पैटर्न पे होगा। और न्यू पैटर्न की बात की जाए तो न्यू पैटर्न जो होगा, अगर वीडियो न्यू पैटर्न पे कराने की सरकार सोचेगी तो उसमें कुछ खास बदलाव नहीं होगा। माइनस मार्किंग वही सेम है, और उसके बाद जो सिलेबस है सिलेबस वही सेम है 150 नंबर का, तो इसमें कुछ खास बदलाव नहीं होगा। आप अपनी तैयारी को तैयार करते रहिए। मैं वीडियो री एग्ज़ाम्स चाहे जब हो, चाहे वो जुलाई में कराए सरकार और चाहे वो अपना नवंबर में कराए, लेकिन उसके प्रति जो भी जानकारी होगी आयोग की तरफ से होगी या कहीं से भी अधीनस्थ की तरफ से होगी, कोई जानकारी होगी छोटी होगी या बड़ी होगी, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। और मैं आज आपको ये भी बता देता हूँ कि वीडियो री एग्ज़ाम हो चाहे वो नया वीडियो हो, तैयारी उसको किस बुक से करनी है और कैसे करनी है। देखिए, सबसे पहले बात, जीएस तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, हमारी वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं कि लूसेंट को कैसे पढ़ें। आपको पता है कि लूसेंट एक ब्रह्मांड है, और अगर लूसेंट एक ब्रह्मांड है तो उस ब्रह्मांड को हम थोड़ा थोड़ा करके अगर पढ़ेंगे, 30 दिन का अगर टारगेट रख के पढ़ेंगे, तब भी हम बहुत कुछ हासिल कर ले जाएंगे। लेकिन आप घटनाचक्र से अगर जीएस को पढ़ना चाहते हैं, तब सबसे बेहतरीन सफिशियंट आइडिया घटनाचक्र है, क्योंकि एक क्वेश्चन को कितने तरीके से आयोग पूछता है सब कुछ उसमें बताया होता है। बात करें अगर हिंदी की, हिंदी कैसे पढ़ें, तो हिंदी की आपको आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, या घटनाचक्र की हिंदी भी बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। और बात करें रीजनिंग की, तो मास्टर रीजनिंग की वर्बल नॉन वर्बल करके एक बुक आती है, आप उसको ले लीजिए, वो बहुत बेस्ट बुक है। और टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाई करिए और तैयार करिए। आप ये मत सोचिए कि पेपर कब होगा कैसे होगा, पहले अपनी तैयारी को एकदम कंप्लीट करिए, उसके बाद आप
पेपर को देने की सोचिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो की तरफ से नई नया कुछ मिलेगा, नई कुछ जानकारी होगी, हम अपने चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको देंगे। और आप जो हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ इस वीडियो को, ताकि कुछ ज़रूरतमंद के लिए वीडियो काम आए। थैंक यू सो मच।